गाइस ये देखो मेरे पीछे हेल्थ इतना ज्यादा खराब है कि मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस आज मैं पहली बार आश्रम के बाहर जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने, मतलब ब्लॉग बनाने तो नहीं जा रहा हूँ, एक रीजन से जा रहा हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ डिमापुर और मेरे साथ है मुकुंदो अपना ताई, तो हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो ब्लॉग पे बने रहिए। और उधर पे अपना ट्रेन खड़ा है तो पहले जाके ट्रेन में उठते हैं। So guys, ये देखो लैंडिंग स्टेशन। So guys, ट्रेन पे बैठ चुका हूँ और देखो यहाँ पर कुंदो क्या कर रहे हैं। So, एक साथ जाने वाले guys, अभी हम लोग जर्नी के स्टेशन में आ गए। ये कौन सा स्टेशन है पता नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट और व्यू देखने को मिल रहा है ट्रेन से। तो मैं स्टेशन आ चुका है और ये रहा दिमापुर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डीमापुर। सो गाइस फाइनली डीमापुर स्टेशन में पहुंच चुका हूं और काफ़ी सुंदर वेदर है आज का और आप लोग भी दर्श देखो। तो अभी जाऊंगा मैं हॉस्पिटल में, मतलब हेल्थ का इशू है तो उसको चेक कराऊंगा, तो बता दो मैं आप लोग को। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूं एक हॉस्पिटल में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है डीमापुर में, तो उसका नाम मतलब उस जगह का नाम है चाइल्ड माइल, तो देख सकते हो आप लोग। और मेरे साथ मुकुंद है और पीछे देखो अपना मीन्स देश का तिरंगा, मैं आपको एक सिनेमेटिक से पूरा दिखाता हूँ। तो गाइस सभी ऑटो में उठ जाते हैं, देखो ऑटो है, तो यहाँ से डायरेक्ट चाइल्ड माइल में जाऊँगा। और चाइल्ड माइल में जा रहा हूँ एक कारण में, मतलब एक कारण है जो कि उधर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल है, तो उधर मैं जा रहा हूँ अपना हेल्थ का चेकअप कराने, कि कुछ दिनों से थोड़ा हेल्थ का इशू चल रहा है मेरा, तो उधर सोच रहा था चेकअप करा लूँ क्योंकि बहुत दिनों से थोड़ा हेल्थ का ही इशू चल रहा था। तो आज मैं मुकुंदो के साथ जा रहा हूँ, तो ब्लॉग पे बने रहिए, जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। तो लेट्स गो। इस ऑटो में बैठ चुका मैं और मुकुंदो, देख सकते हो सब कुछ ग्रेट है। और आपको डीमापुर का थोड़ा सिटी भी दिखाने वाला हूँ बाय ऑटो। तो मतलब डीमापुर एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड सिटी है मतलब नागालैंड स्टेट का। और अभी हम लोग एक मतलब अलग स्टेट में आ चुके हैं, आसाम से हम लोग आ चुके हैं नागालैंड। गाइस नागालैंड में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो है ट्रैफिक। गाइस नागालैंड में बहुत ज़्यादा गाड़ी रहता है, खासकर कि डीमापुर में। और अभी जस्ट आप लोग ट्रैफिक देखना आगे वीडियो में। ये वाला आप लोग देखो, ये वाला है डीमापुर एयरपोर्ट का जो लैंडिंग और टेक ऑफ का जो रनवे है, ये वाला है। मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये वाला जगह पूरा रनवे और टेक ऑफ के लिए, क्योंकि सामने ही डीमापुर एयरपोर्ट है। गाइस आप लोग जो ये वाला देख रहे हो, ये वाला है आर्मी स्कूल, मतलब मिलिट्री स्कूल। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखो आसाम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर स्कूल, मतलब यहाँ पर जो जो
मतलब आर्मी में इंटरेस्ट रखता है वो लोग यहाँ पर आके मतलब स्कूलिंग कर सकते हैं, फिर आर्मी में इजीली जॉब कर पाएंगे। और गाइस ये रहा डीमापुर एयरपोर्ट जाने का रास्ता, यहाँ से ये वाला है ना अंकल, मैं यहाँ पर मतलब जो जहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ, तो मुझे हर एक रास्ता मालूम है कहाँ कुछ क्या है। और मैं बता दूँ आपको, मैं डीमापुर में मैं जब छोटा था तब से आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा मीन्स मामा का घर है और यहाँ पर मेरा बहुत सारे रिलेटिव्स का घर भी है, तो मुझे डीमापुर का थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है। जैसे मैं बोला था डीमापुर में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप लोग का आप लोग ये वाला एग्जांपल देखो, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स बहुत ही ज़्यादा ऑबे किया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर मीन्स जेस्चर है डीमापुर का पीपल से, मीन्स वी शुड ऑबे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो सब कुछ अपना लाइन में चल रहे, कोई ट्रैफिक का डिजर्व भी नहीं कर रहा, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है डीमापुर के पीपल ने। सो गाइस ये वाला को हम लोग छोड़ दिए, तो गाइस ये वाला ऑटो को बाय बाय करते हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे चार माइल, तो उसके लिए और एक ऑटो पकड़ना पड़ेगा। गाइस और एक ऑटो चेंज कर लिया और यहाँ से जाऊँगा चार माइल की ओर, तो हम लोग बस देखते रहिए। ये वाला जो आप लोग बाउंड्री देख रहे हो ये है डीमापुर जेल, भैया ये डीमापुर जेल है ना, हाँ ये वाला है डीमापुर जेल, जो कि मैं पूरा कॉन्फर्म होकर आपको बोल रहा हूँ। नागालैंड स्टेट 1965 सेंट्रल जेल डीमापुर नागालैंड, बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ ये भीतर में। तो गाइस ये रहा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च, मतलब रेफरल हॉस्पिटल, मैं इधर ही जाने वाला हूँ आज। जस्ट देन तो गाइस पहुंच चुका हूँ। तो गाइस देखो ये है रेफरल हॉस्पिटल दिमापुर का, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, तो चलते फिर। गाइस यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर हम मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। सो गाइस अपना बिलिंग विलिंग हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर में, क्योंकि जिस डॉक्टर को रिकमेंड किया वो ऊपर ही है। Soon after. So guys, डॉक्टर को दिखा लिया और डॉक्टर ने अभी कुछ मेडिसिन रिकमेंड किया मुझे लेने के लिए, तो फार्मेसी में जा रहा हूँ लेने के लिए, तो बने रहिए बस। गाइस यहाँ से सब कुछ कर लिया, मेडिसिन मिली, अपना चेकआउट भी हो गया, बिलिंग सीलिंग सब कुछ हो गया, और मैं आपको थोड़ा इस हॉस्पिटल को थोड़ा दिखाता हूँ सिनेमेटिक वे में। तो गाइस इस ऑटो में बैठ चुका हूँ और सब कुछ हो गया, और ऑटो में थोड़ा आवाज आ रहा है, तो थोड़ा किधर रुक के मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस वहाँ से आ गया और ये वाला जगह का नाम है हांगकांग मार्केट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है दिमापुर में, तो अभी घूम रहे हैं बस, थोड़ा भूख भी लगा, फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे जगह को, तो वीडियो पे बने रहिए अभी तक। इस चीज़ को देख के और भी ज़्यादा भूख लग गया अभी। और वेलकम टू दिमापुर रेलवे स्टेशन, लेकिन अभी हम लोग रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगे, थोड़ा खाना खाएंगे पहले, बहुत ज़्यादा भूख लगा है।
सो गाइस अभी स्टेशन पे रुके और हम दोनों अभी चिल मार रहे, थोड़ा गर्मी लग रहा है इसलिए हवा का मज़ा ले रहे। बहुत ही सुंदर हवा, प्लीजेंट हवा बह रहा है इधर। और हम लोग का पीछे देखो दिमापुर स्टेशन। गाइस आज इतना अच्छे से वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल के मीन्स अपना हेल्थ के काम से आया था, इसलिए उसको लेके आया था क्योंकि अकेला आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो उसको लेके आया था। लेकिन एक दिन दूसरा मीन्स अच्छे से आऊँगा और आप लोग को अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा पूरा दिमापुर सिटी, जितना भी कुछ है दिमापुर में मैं ट्राई करूँगा दिखाने का क्योंकि यहाँ पर मेरा मामा का घर है, मेरा बहुत सारे रिलेटिव्स का घर है इधर, तो मैं बचपन से दिमापुर आता हूँ, मीन्स मुझे बहुत सारा जगह पता है दिमापुर का और थोड़ा बहुत पता ही है, तो आऊँगा और एक्सप्लोर करके सब कुछ दिखाऊँगा। तो वे जस्ट हवा का मज़ा ले रहे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे, जब ट्रेन आएगा तो एक साथ जाएंगे उधर लामडिंग। गाइस अपना ट्रेन आ रहा है जो कि ओवर द टाइम एक्सप्रेस है और इधर मैं थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है और देखो पूरा थक चुका हूँ, स्क्रीन देखो अपना इसका भी, तो अपना ट्रेन आ रहा है तो एक साथ जाएंगे, तो बने रहिए। मैं ट्रेन में उठ गया, अभी छोड़ने वाला ट्रेन, मैं ट्रेन इधर रुका हुआ है और हम लोग उतर गए क्योंकि अपना घर सामने ही है और इधर क्रॉसिंग पे ट्रेन रुका है, तो हम लोग निकल जा रहे हैं अभी। और देखो ट्रेन, देखो ट्रेन का ड्राइवर के साथ बात कर रही है, तो अपना घर सामने ही है, बिल्कुल सामने है, तो हम लोग उतर गए। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ही खत्म, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल भी न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।